थोड़ा जोर से बोलो, पर्दा बंद कर दो। आदि बाबा ने एक वार्तालाप में बोला है, हमको गीता पाठशाला में जब मामा बाबा लिखते हैं तो हमारा स्मृति में सूर्यवंशी माँ याद में स्मृति में रखना चाहिए। गीता पाठशाला में जब करते हैं एग्जीबिशन करते हैं सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं, गीता पाठशाला में हाजिरी के हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करने, हाँ सिग्नेचर करने समय माँ बाप लिखने में सूर्यवंशी माँ स्मृति में रखना चाहिए ऐसा बोला है। हाँ सूर्यवंशी माँ बुद्धि में रहना चाहिए। हाँ तो अब हम जब कोई जिज्ञासु को देखते समय माँ का नाम किसको बताना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी जगदम्बा का नाम को बात तो पक्की है, हम दूसरों को परिचय देंगे तो अम्मा का पता हमको होगा या नहीं होगा है? हम दूसरों को परिचय देंगे माँ बाप का तो अम्मा और बाप का दोनों का प्रैक्टिकल पार्ट का परिचय हमको होगा या नहीं होगा है? होगा। और हमको ही परिचय नहीं है तो दूसरों को हम परिचय दे सकते हैं क्या है? नहीं दे सकते हैं। तो जिनकी बुद्धि में अभी भी परिचय नहीं है हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं। 84वें जन्म से 83, 82, 81 ऐसे चढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में हम पता लगाएं कि कौन सा जन्म है जहां से हमको सूर्यवंशी माँ की पहचान हो गई है। अगर नहीं पहचान है तो हम दूसरों को भी परिचय नहीं दे सकेंगे। तो कौन सी माँ की पहचान देंगे है? चंद्रवंशी माँ की पहचान देंगे विजयमाला में आने वाली माँ की पहचान देंगे या विजयमाला में आने के साथ साथ आदि से लेकर अंत तक जो सूर्यवंशियों की माँ है उसकी पहचान देंगे? क्योंकि विजयमाला में आने वाली जो माँ है उसको छोटी माँ कहा जाता है ना, वो बाद में आवेगी, बाद में सूर्यवंशी बनेगी या पहले से ही सूर्यवंशी है? है तो बाद में सूर्यवंशी बनेगी, अभी कौन से वंश में है? है राधा को कहेंगे चंद्रवंशी, चलो वो तो आधार मूर्त है, उस आधार मूर्ति की भी बीज कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, बजाती है ना, तो वो जगदम्बा उस आत्मा को चलाने वाली आत्मा भी सूर्य है या चंद्र है? है चंद्र है, तो वो भी कौन सा वंशी हुई है? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे चंद्रवंशियों की बीज, ऐसे है तो वो हर वंश की बीज कौन? जगदम्बा कोई चंद्रवंश की बीज नहीं है। अगर चंद्रवंश की ही बीज हो तो उसे जगदम्बा कहेंगे, सारे जगत की अम्बा, सारे जगत की अम्बा माने चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो चाहे इस्लाम वंशी हो बौद्धि वंशी हो क्रिश्चियन वंशी हो नास्तिक वंशी हो कोई भी वंश वाले हो,
उन विधर्मियों का ओरिजिन कहाँ से होता है? जगदम्बा से होता है। सूर्यवंशियों के लिए कहेंगे कि उनका ओरिजिन जगदम्बा से होता है, कहेंगे है? अरे अरे सूर्यवंशियों का ओरिजिन शुरुआत कहेंगे जगदम्बा से होता है, है? नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? हैं? हाँ, क्योंकि जिसकी सूर्यवंशी माँ होगी उसको कहेंगे मातेला। अगर कोई दूसरी माँ बन गई तो कौन सी माँ कही जाती है? सौतेली माँ। सौतेला बच्चा है, खून बदल गया या वही खून है? खून बदल गया। खून बदल गया तो यहाँ स्थूल खून की बात है या संकल्पों के खून की बात है? संकल्पों के खून की बात है। पक्का सूर्यवंशी कहेंगे या बदला हुआ खून कहेंगे? है? अरे जिसका खून बदल गया, दूसरी माँ का खून आ गया, सौतेली माँ का खून आ गया, सौतेली माँ को तो जानता है माँ के रूप में, और सूर्यवंशी माँ को जानता है कि नहीं जानता है? हैं? नहीं जानता है। तो कौन सी माँ का बच्चा हुआ? है? सौतेली माँ का बच्चा हुआ। अगर सौतेली माँ का बच्चा है तो आगे चल के धोखा देने वाला है या नहीं है? हैं? धोखा दे देगा, ये पक्की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं ये रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, अंदर अंदर रियलाइज करो कि हम सूर्यवंशी माँ को जानते हैं या नहीं जानते हैं। रियलाइज करो, जानते हैं? अगर जानते हैं तो कोई से पूछने कंफर्म करने की दरकार? अरे कोई बच्चा ये कहेगा कि हमें अम्मा का पता ही नहीं? अरे बाप का पता ना हो वो तो कहेगा, छोटा बच्चा, लेकिन ये कहेगा हमें अम्मा का ही पता नहीं? है? नहीं कहेगा। वो तो ओरिजिन जब से जन्म हुआ तब से ही उसकी बुद्धि में माँ बैठी हुई है, उस माँ की पालना ले रहा है, उस माँ की गोद में पल रहा है, उस माँ का अपोजिशन नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो सौतेला है या मातेला है? है? तो सौतेला हो गया। तो अभी अभी पक्का करना है कि वो सूर्यवंशी माँ कौन है जो यज्ञ के आदि में भी थी और अभी भी है। आदि में बाप की भी पहचान नहीं थी और अम्मा की भी पहचान नहीं थी, अभी 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 सृष्टि का फाउंडेशन पड़ चुका है। जो रुद्रबाला के मड़के हैं वो नव धर्म के बीज हैं, उसमें नव धर्मों के बीज में से नौ प्रकार के जो ब्राह्मणों का वर्ग है उनमें से श्रेष्ठ वर्ग कौन सा है? सूर्यवंश। उस सूर्यवंश में कितने मड़के हैं? है? अरे माला के मड़के 108, उसमें 9 वर्ग हैं बाप से प्राप्ति करने वाले, 12 ने मैं 108, तो सूर्यवंशी मड़के कितने हुए? हैं? हैं? 12 हुए। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं
कितने वर्ग में बांटे जाते हैं? 12 ही राशियों में बांटे जाते हैं। और 12 राशियों में से 8 ऐसे श्रेष्ठ हैं जिनकी पूजा होती है, जिनकी बहुत मान्यता है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, और बाप ने भी बोला है कि वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते हैं। और 4 ऐसे हैं बेचारा 9वां नंबर बेचारा कहेंगे या नहीं कहेंगे है? जो 9वें नंबर में आता है वो बेचारा हुआ या नहीं हुआ? बेचारा हुआ। क्यों? कि देखो जो 9वां नंबर आना था वो रह गया, 8वां नंबर आना था उससे वंचित रह गया, धर्मराज की सजाएं खाने वालों की लिस्ट में आ गया, और बाकी 3 तो फिर है ही उससे नीचे। तो 4 हैं विनाशकारी और 4 हैं स्थापनाकारी और 4 हैं पालना की लिस्ट में आने वाले। और जो पालना करते हैं वो स्थापना की लिस्ट में तो आते ही। तो बात हो रही थी माँ की, जो सूर्यवंशियों की माँ होगी वो रुद्रमाला के इन बारह मणकों के अंदर होगी या बाहर के किसी ग्रुप में होगी? अंदर ही होगी। वो ऐसी आत्मा है जो बाप समान आत्मा है। कैसी? बाप समान, बाप योग बल के आधार पर सब प्रकार की प्राप्ति करता है। तो माँ भी कैसी है? हैं? कौन से बल के आधार पर सारी प्रकार की प्राप्ति करती है? योग बल के आधार पर। योग माने लगाओ, योग माने कनेक्शन, योग माने स्नेह, अटूट स्नेह। आदि से अंत तक का स्नेह, ऐसे स्नेह की शूटिंग करती है कि 83 तो क्या 84 जन्म तक भी अटूट स्नेह रहता है। लास्ट में तो माया सभी को धराशाई कर ही देती है। क्या राम की आत्मा को माया धराशाई नहीं करती है? हैं? करती है ना। तब तो गांवड़े की माताएं गीत गाती हैं, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, माया नजरिया मारी गई रे। माना माया की नजर से कोई बच नहीं सकता। जो परमात्मा पार्ट बजाने वाली आत्मा वो भी माया की नजर से बच नहीं पाती। तो प्रजापिता को सर्वशक्तिवान कहेंगे है? नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान का टाइटल धारण करने वाली 2 ही आत्माएं हैं, एक शिव बाप और एक माया बेटी। हाँ, शिव बाप जब प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, जिनका अंतिम नाम शंकर पड़ता है, तो वो शंकर बाप समान स्टेज को प्राप्त जब कर लेता है तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है, माया का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्यों नहीं जोड़ा जाता? जब सर्वशक्तिमान का टाइटल है तो जोड़ना चाहिए ना, है? इसलिए नहीं जोड़ा जाता
कि विजय तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरी विजय माया की होगी या तुम बच्चों की होगी? हैं? तुम बच्चों की आखिरी विजय होना ध्रुव है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तुम बच्चों की लिस्ट में जो संपूर्ण विजय प्राप्त करते हैं वो कितने हैं? है? है? आठ हैं। वो आठों ही सूर्यवंशी हैं। हर धर्म के पूर्वज उन आठ के अंदर हैं। जो जो धर्म की आत्माएं परमपिता परमात्मा से प्राप्ति करती हैं, उनके बीज कौन से ग्रुप में है? है? अष्टदेव में। उन अष्टदेव में से मात पिता का पार्ट बजाने वाले कौन हैं? हैं या नहीं हैं? उन्हीं में से मात पिता का पार्ट बजाने वाले हैं। अगर उन मात पिता का परिचय ही नहीं है किसी को, तो अभी तक जो उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उस उल्टी सीढ़ी में जितने भी जन्मों की हमने शूटिंग कर ली, उसमें विधर्मियों की शूटिंग करने वाले साबित होते हैं या सुधर्मियों की पक्के सूर्यवंशी की शूटिंग करने वाले साबित होते हैं? क्या कहेंगे? विधर्मी की शूटिंग करने वाले साबित हो गए। अगर हमें माँ का परिचय ही नहीं है, सूर्यवंशियों की माँ कौन है? जो यज्ञ के आदि में भी थी, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम बच्चों ने इन दीदी दादी दादाओं का भी संगार किया है आदि में। क्या जो माया बेटी दादी कही जाती है ना, पर दादी भी कोई कही जाती है ना? कौन? अरे यज्ञ में कोई दादी परदादी है या नहीं? हैं? हैं? प्रकाशमणि दादी हैं, जनक दादी हैं, कलकत्ते की हैं? हाँ, निर्मल शांता दादी हैं, ढेर की ढेर दादियां हैं। इन दादियों का भी श्रृंगार किया है तुम बच्चों ने। तो गुण रत्नों से ही श्रृंगार किया होगा या ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया होगा? ज्ञान तो आदि में था ही नहीं, तो काय से श्रृंगार किया था? गुण रत्नों से श्रृंगार किया था। आदि में तुम बच्चों ने गुण रत्नों से श्रृंगार किया है, अभी अंत में ज्ञान रत्नों से तुम ही श्रृंगार करेंगे। तो जो श्रृंगार करने वाले सूर्यवंशी बच्चे हैं, सभी धर्मों के बीज हैं, पूर्वज हैं, उन पूर्वज बच्चों में जो भी ग्रुप है, उनकी कोई अम्मा है या नहीं है, उसका परिचय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और वो परिचय प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होती है, तब तक आत्मा परिपूर्ण नहीं है, नहीं कहेंगे वो सूर्यवंशी है। तो फैसला हो गया कि योग बल के आधार पर शंकर के समान जो राजयोगी है, योगी राज कहा जाता है, उसके साथ वो राजयोगिनी कौन है जिसका नाम मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में गाया हुआ है? कौन है? योगिनी। परिचय नहीं मिला क्या? अरे अभी तक परिचय नहीं मिला है? एडवांस पार्टी में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो योगिनी की बीज रूप आत्मा है, वो कौन है? उसका अपर नाम भक्ति मार्ग में क्या है? भक्ति मार्ग में उसका दूसरा नाम क्या गाया जाता है?
है? है? क्या जोर से बोलो, मनुसुआ अनुसुईया, हाँ अनुसुईया अनुसुआ अनुसुईया, क्या नाम गाया जाता है? अनुसुईया। परिवार की जो अम्मा होगी वो परिवार की अम्मा परिवार के कोई भी बच्चे के साथ असूया रखेगी, ईर्ष्यादेश रखेगी, रखेगी नहीं रख सकती, वो सबका कल्याण चाहेगी। जिनका कल्याण नहीं हुआ है उनका भी कल्याण चाहेगी, और जिनका कल्याण हो चुका है, पुरुषार्थ में कच्चे हैं या हिलते डुलते हैं, उनका भी कल्याण चाहेगी। ये दूसरा नाम बताया आपने अनसुईया, माना उसमें प्योरिटी की पावर दुनिया की जितनी भी स्त्रियां हुई हैं उन सब स्त्रियों के मुकाबले प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? तीन देवों का दुनिया गायन करती है, दुनिया जानती है त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उन तीन देवताओं में जो नंबरवार उनकी शक्तियां हैं उन शक्तियों को भी तो गायन है, त्रिदेवियों का गायन नहीं है, है? त्रिदेवियों का भी तो गायन है। कौन सा मंत्र है जो भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है? हर ब्राह्मण की जबान पर वो मंत्र रहना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, गायत्री मंत्र। तो तीन देवियां जिनका गायन मंत्र के रूप में हर मनुष्य की, हर ब्राह्मण देव, हर ब्राह्मण की जबान पर रहता है, वो देवियां इतनी प्रसिद्ध हैं, तो उनकी प्योरिटी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगी दुनिया के मुकाबले या कम होगी? है, श्रेष्ठ प्योरिटी वाली होंगी। लेकिन शास्त्रों में ये गायन है कि उन तीन देवियों को भी, क्या उन तीन देवियों को भी परदादी के सामने झुकना पड़ता है। वो कौन हुई परदादी? है दादी प्रकाश, दादी प्रकाशमणि तो जड़ है, आधार मूर्त है, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है या बीज में ज्यादा ताकत होती है? जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, है? बीज में ज्यादा ताकत होती है, और फिर बह गया बेसिक में, बेसिक का असर ज्यादा पड़ गया। जो पक्के राजपूत होते हैं वो अपने कुल को कभी भूलते हैं क्या? है, दूसरे कुल का नाम लेंगे तो वो श्रेष्ठ है, लेंगे नहीं लेंगे? अरे श्रेष्ठता का जहां सवाल आता है तो पहले पहले बीज रूप आत्मा बुद्धि में आनी चाहिए। तो बीज रूप आत्माओं में श्रेष्ठ है सूर्यवंशी, और सूर्यवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं आठ, और आठों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं माँ बाप। तो उस माँ का दूसरा नाम तो आपने बताया, है? बंगालियों की भाषा थोड़ी अलग हो जाती है, इसलिए क्या बोल दिया? असुया। क्या बोल दिया? अनसुआ, अनसुईया, उसका अर्थ है अन असुया, असुया माने ईर्ष्या द्वेष, जिसमें ईर्ष्या द्वेष किसी के प्रति नहीं है। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, अगर विश्व में से एक आत्मा को भी निकाल दिया जाए
तो बाप को विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो जो सूर्यवंशियों की माँ है, उसका भी काम के आधार पर ये नाम पड़ा है। क्या क्या नाम पड़ा है? अनुसूया। और तीसरा नाम क्या है? काशी। जैसे दिल्ली है, नाम तो है ना, क्या दिल्ली ने खास काम क्या किया? अरे नाम पड़ा है तो कुछ काम भी किया होगा कि नहीं है? एक एक आत्मा की दिल ले ली कि तुम्हारा आसुरी भाव है, देवताई भाव है या ईश्वरीय भाव है। ईश्वर के बच्चे हो, देवताओं के बच्चे हो या असुरों के बच्चे हो, जो तुम्हारा दिल है वो जानवरों का दिल है, असुरों का दिल है, देवताई दिल है या ईश्वरीय दिल है? वो एक एक का दिल ले लेती है, ऐसा पार्ट बजाने वाली है। नंबर सबके डिक्लेयर कर देती है। जितनी जितनी दिल की भावना, उतना उतना ऊंचा नंबर मिल जाता है। जब विनाश करेगी तो एक साथ सब का विनाश कर देगी या एक एक करके विनाश होते रहेंगे? एक एक करके अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या इकट्ठे की इकट्ठे हो जाएंगे? एक ही सेकंड में नंबरवार विनाश होते जाएंगे। एक को देख करके दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरे को देख के चौथा। जैसे खरबूजे के लिए गायन है, एक खरबूजा पकता है तो फिर नौ रोजा लग जाता है। एक आम पकता है तो नौ रोजा लग जाता है। तो ऐसे ही 18 दिन का विनाश शास्त्रों में गाया हुआ है, महाभारी महाभारत विनाश। ये नौ रोजा है, धड़ाधड़ विनाश होता जाएगा और धड़ाधड़ नंबर डिक्लेयर हो गए। जब अनिश्चय रूपी मौत होगी महाविनाश काल में, चाहे बेहद की हो चाहे हद की हो, तो आत्माएं दुनिया छोड़ करके दूसरी दुनिया में जाएंगी या नहीं जाएंगी? है जाएंगी। फिर आखिर कभी लौट के आएंगी या नहीं आएंगी? है तो लौट के भी आती है। तो जब लौट के आती जाएंगी, जिस नंबर से लौटी हैं उसी नंबर से, जिस नंबर से लौट के दूसरी दुनिया में गई है उसी नंबर से वापस आ जाएंगी। जिस नंबर से देहभान त्याग करके परमधाम पहुंचे हैं आत्माएं, उसी नंबर से वापस आएंगी कि नहीं इस धरा पर? है आएंगी, वो ही नंबर बन जाएगी। तो एक एक की दिल ले ली कि नहीं ले ली? है दिल ले ली। तो सब की परीक्षा हो गई, फाइनल परीक्षा। लेकिन नाम पड़ जाता है कि फाइनल परीक्षा बाप लेता है या माया लेती है? है कि जगदम्बा लेती है? फाइनल परीक्षा लेने वाला कौन? बाप है। बाप परीक्षा लेता है तो बाप पढ़ाई पढ़ाता है या परीक्षा लेता है? है तो कौन है फाइनल परीक्षा लेने वाली? माया। बाप से माया बेटी भी कहते हैं और बाप को माया पति भी कहते हैं। बेटी की अगर नियत खराब हो जाए और बाप दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या नहीं है, तो बेटी भी अम्मा बन जाएगी कि नहीं? है बन जाएगी।
इसलिए माया को बेटी भी कहते हैं, और माया को माया के संबंध से बाप को क्या कहते हैं, माया पति भी कहते हैं। लेकिन माया परीक्षा लेने वाली है यह धर्मराज, जिसमें प्रैक्टिकल रूप में प्रवेश करता है वो महाकाली परीक्षा लेने वाली है या कोई और परीक्षा लेने वाला है? है महाकाली परीक्षा लेती है। जो बड़ा से बड़ा परीक्षक होगा वो बड़े से बड़ा होशियार होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए पढ़ाई में? है हाँ, प्रवेश प्रवेश करता है ब्रह्मा। महाकाली में कौन प्रवेश करता है चंद्रमा के रूप में? ब्रह्मा। तो प्रवेश करने वाला ब्रह्मा परीक्षक है, महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाला देहधारी जगदम्बा परीक्षक है या माया परीक्षक है? कौन सी आत्मा परीक्षक है? 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 ओ परीक्षक का ही पता नहीं। हाँ, माया ज्यादा चालाक है या जड़ प्रकृति जगत अम्बा ज्यादा चालाक है? माया ज्यादा चालाक है, सर्वशक्तिवान है, ज्ञान की पढ़ाई में भी बहुत तीखी है, इसलिए सर्वशक्तिवान है। लेकिन माया अकेली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माओं का संगठन है, उस संगठन का माया बेटी कुछ बिगाड़ सकी है? इतने आक्रमण हुए, क्या संगठन टूटा या दिन दूना रात चौगुना बढ़ा? बढ़ता ही रहा। तो इसे साबित होता है माया अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है माया अब थक चुकी है। जब होपलेस कोई हो जाता है तो हार्ट फेल होता है कि नहीं है? तो माया का हार्ट फेल हो गया, और वो हार्ट फेल होने वाली माया जब शरीर छोड़ देती है तो और ज्यादा ताकतवर बनती है कि कम ताकत हो जाती है? और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। उसकी ताकत जो है वो देह के बंधन से परे हो गई और शक्तिशाली बन जाती है। तो ज्यादा चालाक हो जाती है या कम चालाक होती है? ज्यादा ही चालाक हो जाती है। तो जो युक्ति उसको सारी शरीर का साथ में आत्मा रहते हुए साकार स्टेज में रहते हुए जो युक्ति बुद्धि में नहीं आई, वो युक्ति शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा की बुद्धि में आ जाती है। क्या युक्ति आती है? है? हाँ, एक नियम है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा क्या है? दोस्त है। इस चाल को माया शरीर छोड़ने के बाद पक्का परख लेती है। क्या परख लेती है? कि जो जगत पिता है उस जगत पिता का साथ देने वाली जो जगदम्बा है वो अभी जो पार्ट बजाए रही है घूंघट के अंदर, वो विरोधी का पार्ट बजाए रही है या सहयोगी का पार्ट बजाए रही है? व्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में विरोधी का पार्ट बजाए रही है। जो पार्ट माया बजाए रही है वही पार्ट जगदम्बा बजाए रही है या कोई दूसरा बजाए रही है? माया भी यही पार्ट बजाए रही है, बाप से बुद्धियों को तोड़वाओ और क्या करो, माया के साथ जुड़वा दो, यही पार्ट बजा रही है ना? तो माया की बुद्धि में भी ये युक्ति आ जाती है, अकेले तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी,
तो जगदम्बा के साथ हाथ मिलाई लेती है। जगदम्बा का ही दूसरा नाम है प्रकृति। प्रकृति माता के साथ, कुदरत के साथ हाथ मिलाई लेती है। वो जान जाती है कि भला जड़त तो मेरी बुद्धि है, अकल नहीं है, लेकिन इसमें ताकत इतनी है कि चाहे तो भूकंप लाए और सारी दुनिया को क्या करे, दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको खलास कर दे। वो ताकत माया में नहीं है, जैसे दुनिया में होता है ना, कोई कोई पहलवान इतने जबरदस्त होते हैं कि कोई बहुत बुद्धिमान आदमी हो तो उसको भी मात दे देते हैं। देते हैं या नहीं है? हाथापाई करेंगे तो क्या होगा, बुद्धिमान की अकल चकरा जाएगी या नहीं चकरा जाएगी? चकरा जाएगी। तो ऐसे ही जो माया बेटी है वो ये जान जाती है कि जगत पिता का प्रैक्टिकल में दुश्मनी का पार्ट बजाने वाली व्यक्त में, व्यक्त रूप में दुश्मन का पार्ट बजाने वाली अभी जगदम्बा है, तो जगदम्बा से हाथ मिलाई लेती है। हाथ मिलाना माने क्या मतलब हुआ? बुद्ध रूपी हाथ मिलाई लेती है, समझाए देती है तुम ऐसे नहीं इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगी। क्या क्या करना है? मेरे साथ बुद्धि का हाथ मिला लो। मैं चंद्रमा को फॉलो करने वाली हूं, चंद्रमा की मैं अर्धांगिनी बन गई। चंद्रमा की अर्धांगिनी का नाम क्या है मालूम है? हैं? अरे प्रजापति की नक्षत्र कन्याएं ढेर की ढेर, उनमें से चंद्रमा एक कोई पसंद करता है, वो कौन है? यज्ञ के आदि से ही रोहिणी कही जाती है। वो रोहिणी माया का रूप है। वो जगदम्बा से जब हाथ मिलाई लेती है तो बहुत पावरफुल बन जाती है। चंद्रमा को वो भी फॉलो करती और जगदम्बा भी किसको फॉलो करती? किसको फॉलो करने के लिए मजबूर है? है? चंद्रमा को, चंद्रमा की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो पावरफुल हो जाती है। दो दुश्मन मिलकर के इकट्ठा वार करते हैं, कौन से वंश के ऊपर है? सूर्य वंश के ऊपर वार होता है। तो सारे जगत के जितने भी विधर्मी हैं, चंद्रवंशियों से लेकर के और दूसरे दूसरे वंश के, वो सारे जगदम्बा को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे ना। अरे तो ऐसी स्टेज आ जाती है ड्रामा के रंगमंच पर कि अन्यान्य जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो सब एकजुट होकर के सूर्यवंशियों के ऊपर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि नियम बना हुआ है, चाहे बीज रूप आत्माएं किसी भी धर्म की हों, चंद्रवंश के बीज होंगे तो किससे मिल जाएंगे? चंद्रवंश से मिल जाएंगे। इस्लाम वंश के बीज होंगे तो किससे मिलेंगे? इस्लाम वंशियों से मिल जाएंगे। तो बेसिक में
हर विधर्मी के आधारभूत मौजूद हैं या नहीं है? हैं? हैं? उन बेसिक ब्राह्मणों में जिनमें सभी विधर्मियों के आधारभूत मौजूद हैं, उनसे जो रुद्रमाला के दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, उनके मतभेद अभी भी देखने में आ रहे हैं। बात बात में विरोध पैदा होता है, बात बात में शंकाएं पैदा होती हैं, बात बात में प्रश्न पैदा होते हैं। ये प्रश्नों की झड़ी लगी रहती है। जैसे रामायण में गायन है, राम ने रावण के सर काटना शुरू किए तो क्या हुआ है? जितने सर काटते जाते थे उतने ही सर पहले पैदा हो जाते। सर काटना हुआ और दूसरा सर तैयार। सर का मतलब क्या है? जो विपरीत संकल्प चलाने वाला सर है वो एक सर कटता है और दूसरा सर तैयार हो जाता है। अभी इतना ज्ञान का क्लेरिफिकेशन होने के बावजूद भी शास्त्रों की इतनी बातों का क्लेरिफिकेशन मिलने के बावजूद भी प्रश्नों की झड़ी लग रही है या नहीं लग रही है? है? लग रही है। इसका मतलब कि रुद्रमाला के जो बीज रूप आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म की हैं वो फील कर सकती हैं क्या कि हम जो उल्टी चाड़ी चढ़ रहे हैं अभी तक वो रावण के सर का पार्ट बजाए रहे हैं या सर काटने वाले संप्रदाय का पार्ट बजाए रहे हैं? समझ में नहीं आ रही बात है। सर काटने वाले राम संप्रदाय का पार्ट बजाए रहे हैं सारा तो तुम्हारी ब्रह्मा बाबा प्रवेश कर गया क्या? ज्ञान से तो बाबा बुरे कर्मों का ही सर कटेगा नहीं कटेगा? बुरे कर्म वो ही करेगा, उसी ने किए होंगे जिनके संगम युग में विपरीत संकल्प रूपी प्रश्न उठ रहे होंगे। दूसरे सर जन्म के जो बुरे कर्म हैं, हाँ जो बुरे कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर विपरीत संकल्प चलेंगे या सहयोगी संकल्प चलेंगे? तो विपरीत संकल्प ही विपरीत प्रश्नों के रूप में पैदा हो जाते हैं। विपरीत प्रश्न बराबर पैदा होना माने सर रावण के निकलते जाते हैं और जो रावण के सर होंगे वो रावण के सर कितने दिखाए गए हैं? हैं? 10 सिर दिखाए गए हैं। उन 10 सिरों में सबसे पावरफुल सर कौन सा है? है? सूर्यवंशी अकेला होता है या हमेशा डबल होता है? है? सूर्यवंशी जो मणके हैं, चलो मान लो 12 ही हैं, तो अभी डबल के रूप में पार्ट बजाने वाले होंगे या सिंगल के रूप में पार्ट बजाने वाले होंगे? अभी भी भाई बहन के रूप में पार्ट बजाने वाले होंगे, एक दूसरे का विरोध करने वाले नहीं हो सकते, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। इसलिए सूर्यवंशी माँ का परिचय होना, जो ब्राह्मण धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, और ये दम ठोकती हैं कि हम सूर्यवंशी के पक्के हैं, तो उनको माँ का परिचय जरूर होना चाहिए।
परिचय होगा तो औरों को भी परिचय देंगे। जब परिचय देना शुरू करेंगे तब सूर्यवंशी की चाढ़ी चढ़ना शुरू होंगे। अगर माँ के परिचय को निग्लेक्ट करते रहेंगे तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते 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 63वां जन्म जो है ऊपर वाला वो कौन से धर्म का होता है? इस्लाम धर्म में कन्वर्शन वाला धर्म जन्म है। उस जन्म में कन्वर्ट होने वाले साबित हो जाएंगे। इसलिए माँ का परिचय होना बहुत जरूरी है। अभी हाथ उठवाए जाएं तो बताओ कितने परसेंटेज निकलेंगे जो सूर्यवंशी माँ को पहचानते होंगे और दूसरों को परिचय भी देते होंगे। परसेंटेज का पता है कि नहीं है? हाँ? नहीं पता है? हाँ? अरे का मतलब परसेंटेज पुअर है। परसेंटेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये स्थान वो स्थान है जहां पूरा परिचय बाप का दिया जाता है। और गीता पाठशालाओं में और मिनी मधुबनों में इतना माँ बाप का परिचय नहीं दिया जाता है। अगर परसेंटेज पुअर है तो इसका मतलब कि यहाँ जो टीचर्स माँ बाप का परिचय देने वाले हैं उनमें ही कमी है या नहीं है? हैं? उनमें जरूर कमी है। अगर वो कमी है तो फिल्टर होना चाहिए। यहाँ जो भी टीचर्स हों वो ऐसे होना चाहिए जो सूर्यवंशी माँ बाप को पहचानने वाले हों और दूसरों को भी माँ बाप की पहचान देने वाले हों। नहीं तो उनको अपने आप खिसक जाना चाहिए। भागो, खतरा है, यहाँ बेइज्जत होकर के निकाले जाएंगे। और वो लिखने की जरूरत नहीं, अंदर से समझने की जरूरत है। अगर सूर्यवंशी लिख भी देंगे तो क्या इतना लिखने से लोगों की बुद्धि में आ जाएगा कि सूर्यवंशी माँ कौन है? आ जाएगा? हैं? नहीं आ जाएगा। इसलिए अपने माथे पर बोर्ड लगाना है। बाहर का बोर्ड लगा दें, आध्यात्मिक विद्यालय है, बाहर से दिखाने का झंडा लगा दें, देखो ये झंडा ऊंचा हमारा रहे विश्व में, विश्व विजय करने वाला, ये तीन शरीर रूपी वस्त्रों का झंडा है, तो कोई की समझ में नहीं आवेगा। अगर ये झंडा, अगर ये बोर्ड अपने मस्तक पर लगा लें, सदैव मस्तक में वो माँ बाप गूंजते रहें कि ये हमारे माँ बाप हैं, तो हम उनकी पक्की पक्की संतान हैं। अब हमारी शूटिंग जो आगे होगी वो सूर्यवंशियों की होगी या और वंशियों में कन्वर्ट होने वालों की होगी? हैं? पक्के सूर्यवंशियों की होने लगेगी। नहीं तो विधर्मियों के प्रभाव में आकर के उस सूर्यवंशी संगठन का
और सूर्यवंशी संगठन में जो पालना करने वाली माँ है उसकी निंदा करने वाले बनते रहेंगे या गायन करने वाले बनेंगे? है, निंदा ही मुंह से निकलती रहेगी विधर्मियों के प्रभाव में आने के कारण। और ओम शांति, टाइम ज्यादा हो गया।